क्वेटा और कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन घंटों ताखिर का शिकार है। कराकरम शाह हुसैन एक्सप्रेस 8.5 घंटे ताखिर का शिकार और पाक बिजनेस 7 घंटे 45 मिनट ताखिर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट लेट है। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखिर का शिकार है। अवाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट है। शालीमार एक्सप्रेस तेजगाम 2 घंटे ताखिर का शिकार है। जाफर एक्सप्रेस फरीद एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखिर का शिकार बताई जा रही है। डिटेल्स देंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद बताइएगा, आज फिर ट्रेनें लेट हैं? जी बिल्कुल आयशा, कोयटा और कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें हैं वो 8.5 घंटे तक होते हैं। वो आज लाहौर पहुँचेगी जबकि 5 घंटे 45 मिनट कराची 5 घंटे 15 मिनट जबकि इस्लाम इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे 10 मिनट तक का शिकार है बताई जा रही है। जबकि वहाँ में 2.5 घंटे शालीमार एक्सप्रेस और तेज गाम है वो 2 घंटे लाहौर पहुँचेगी। ठीक है सईद अहमद सईद, इस हवाले से अपडेट दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराकरम शाह हुसैन एक्सप्रेस 8.5 घंटे ताखिर का शिकार बताई जा रही हैं। कोटा कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें हैं जो कि घंटों लेट हैं। कराकरम शाह हुसैन एक्सप्रेस 8.5 घंटे ताखिर का शिकार है। जबकि आपको बताएं कि पाक बिजनेस 7 घंटे 45 मिनट ताखिर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट ताखिर का शिकार है। इसी तरह अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखिर का शिकार है। अवाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखिर का शिकार है। और इस हवाले से आपको बताएं कि मुख्तलिफ ट्रेन हैं जो कि ताखिर का शिकार है। शालीमार एक्सप्रेस तेज काम 2 घंटे ताखिर का शिकार है।